जयप्रकाश का बिगुल बजा है, जाग उठी तरणाई है, उठो जवानों, क्रांति द्वार पर तिलक लगाने आई है। जेपी आंदोलन के समय श्री अरुण चौबे जी इस गीत को अपनी बुलंद आवाज में गाते थे, तब आंदोलन से जुड़े सभी युवाओं के भीतर लोकतांत्रिक चेतना जागृत हो जाती थी, जो राष्ट्र सृजन की भावना से सराबोर होती थी। आज उन युवाओं की देह बूढ़ी हो चली है, उनकी आंखों ने जयप्रकाश के चश्मे से जो संपूर्ण क्रांति का सपना देखा था, वह धूमिल हो चुका है। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान से युग की पुकार को अपने गले से जो झंकार दी थी, उसका नाद सत्ता की लोलक की धुन में मिलकर खो गया है। जेपी लोकतंत्र को वास्तविक और सुदृढ़ रूप देना चाहते थे, जहां जनता का सच्चा राज कायम हो, समाज से अन्याय शोषण आदि का अंत करके एक नैतिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्रांति के सपने को उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नाम दिया था। जेपी के कई चेले सत्ता के शिखर पर पहुंचे, समता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के नाम पर सत्ता पाने वाले ये चेहरे समाजवाद का गीत गाते रहे। समाज के अंतिम जन को न्याय के आधार पर मजबूत बनाने के लिए कभी कभी कुछ नीतियां भी लाते रहे, तो वही निजी चोरी करने से भी नहीं चूके। इनके महल अटारियों का ढांचा विशाल हो गया, इनका रुतबा उसी शासक जैसा हो गया जिसका विरोध करके उन्होंने ये सब पाया है। कई लोग जेल चले गए, कुछ ने समाज को दान में मिली जमीन को बेचने का धंधा शुरू कर दिया। जो भी इस दिशा में आंदोलन से मिली प्रेरणा को झाड़कर आगे बढ़ता गया, वह समाज में उतना बड़ा बनता गया। ये दुख या खुशी की बात नहीं है, ये लोग तो समाज के लिए आगे आते थे। इन लोगों ने समाज की शुद्धता के लिए हो रहे हवन में अपनी जवानी की आहुति देना स्वीकार किया था। तब हमारे समाज की कुल मानसिकता ये बनी कि जो जितना बड़ा चोर, जितना बड़ा गुंडा, वही हमारा नेता। यह कोई नई समझ नहीं थी, कबीलों से लेकर राजशाही का सफर इसी समझ के साथ अपना नेतृत्व खोजते और उसे स्थापित होते गुजरा। इतने विशाल अनुभव को समाज ऐसे कैसे भूल सकता था। आज भी भारतीय समाज का हर एक वर्ग सामंती व्यवहार के साथ लोकतंत्र को विकसित कर स्थापित करने की कोशिश में लगा हुआ। बहरहाल जेपी आंदोलन के कुछ लोगों की सुई आज भी संपूर्ण क्रांति पर ही अटकी हुई है, आंखों की बनाई जा रही है, और उनका सपना बार बार उनसे कहता है कि हम जेपी के सिपाही थे, सामाजिक बदलाव की आखिरी लड़ाई लड़े बिना नहीं जाएंगे। उन्होंने इस आंदोलन से बनी प्रेरणा को अपने चरित्र में ढाल लिया, निजी स्तर पर अपनी आवश्यकताओं को कम रखा, विचारों के स्तर पर अपनी समझ को और बेहतर किया। ये लोग सही मायने में अपने भीतर जेपी के सपने को जिंदा रखे हुए हैं। आज के युवा को जेपी जनों से लोकतंत्र के अंत्योदय से सर्वोदय तक का सफर तय करने वाली नाव मिल सकती है, जिसका खेवैया बनने के लिए उनसे किए जाने वाला संवाद वैचारिक स्तर पर दिशा दे सकता है। लोकतांत्रिक मूल्यों की नीतिगत स्तर पर स्थापित करने के लिए, नफरत की बदली को हटाने के लिए, सांप्रदायिकता को हटाने के लिए, जाति के नाम पर वोटों की फसल काटने के खिलाफ विकसित हो रहे युवा नेतृत्व को परिवर्तन के ढांचे के बेहतर स्वरूप को जानने के लिए जेपी की दृष्टि मिले, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। आज जेपी की जयंती पर उन्हें कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम, साथ ही साथ जेपी के सामाजिक आंदोलन के बचे हुए उन चुनिंदा सेनानियों को भी प्रणाम करता हूं, जो अपने निजी और सामाजिक जीवन को सरलता, सादगीपूर्ण ढंग से जीते हुए आंदोलन के मूल्यों को आत्मसात किए हुए हैं, और आज के युवा नेतृत्व के कंधों को मजबूत करने के लिए उन्हें प्रेरित करते रहे हैं। एक बार फिर से जेपी को नमन।